Students, today we study chapter number third, fiber to fabric. So students, in our previous video, we study about basics, what are fiber or fabrics and wool. So students, now we starts from wool and how or where we obtain from wool. So students, let's start wool. Wool we obtain from sheep or other animals. बस टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम वूल फ्रॉम शिप हम शिप से जो वूल ऑप्टेन करते हैं वो कैसी होती है किस तरीके से ऑप्टेन करते हैं ठीक है स्टार्ट <coughs> so, शिप रियर फॉर देयर वूल मेनली इन ड्राई लैंड्स विद लो रेनफॉल आप क्या कह रहे हैं जिप जिस शिप को रियर के रियर का मतलब क्या होगा आपका मतलब हम पालते हैं शिप्स को भेड़ों को पालते हैं ताकि उनसे वूल ऑप्टेन कर सके और कहाँ पे ज़्यादा एरिया जहाँ पर शिप को पाला जाता है वो ड्राई लैंडस होंगे मतलब जहाँ पे सूखी जैसे डेजर्ट्स वगैरह एरिया है विद लो रेनफॉल जहाँ पे क्या होता है बारिश कम होती है लो रेनफॉल मतलब बारिश कम होती है तो कैसे कौन कौन से टाइप के हमें जो वूल से कौन कौन टाइप के फाइबर ऑप्टेन होते हैं तो फर्स्ट थिकनेस लेंथ साइज स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ फाइबर डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ वूल अब जो वूल है किस टाइप की होगी वो इसकी थिकनेस, उसके मोटापे पे उसकी लेंथ लंबाई शाइन जो चमक होती है स्ट्रेंथ ताकत एंड कलर उसका रंग इन पांच चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वूल की क्वालिटी कैसी होगी नेक्स्ट अब जो वूल की क्वालिटी तो हमने बता दी कि इन पाँच तरीकों से कर सकते हैं कैसे अब जो वूल है कहाँ से ऑप्टेन होती है जो हेयर कोट ऑफ शिप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर जो वूल है वो हमें शिप से ऑप्टेन जो शिप्स के ऊपर जो कोटिंग आती है वूल की ऊन की जो कोटिंग आती है उसमें दो तो टाइप के फाइबर्स ऑप्टेन होते हैं हमें कैसे फर्स्ट है कोर्स बीड हेयर एंड सेकेंड है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो कोर्स बियड हेयर होंगे क्या होंगे वो लंबे होंगे करली होंगे जो बाहर के जो आपको आप देख पा रहे हैं वो कोर्स बियड बियड हेयर होंगे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर अब जो कोर्स बियड हेयर है उसके नीचे कुछ और सॉफ्ट अंडर हेयर प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? जो किसके जो आपकी शिप है उसकी स्किन के क्लोज़ होंगे किसके शिप के स्किन के क्लोज होते हैं ठीक है क्लोज़ टू द स्किन ऑफ शिप आर फाउंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ठीक है फाइन सफ्ट अंडर अब ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए वूल को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की वूल को बनाने के लिए जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है वो यूज़ किए जाते हैं ठीक है थीके? अब ये जो फूल है कहाँ से सिक्स सेवन एट इंडियन शिप ब्रीड है मतलब सिक्स इंपॉर्टेंट वूल लील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडिया शिप आर शोन बिलो मतलब छः इंपॉर्टेंट ब्रीड्स होती है जो आपकी इंडियन शिप भेड़ है उनकी भी छह तरह की अलग अलग प्रजाति होती है ब्रीड्स होती है जिससे हम फूल को ऑप्टेन करते हैं कौन कौन से ब्रीड होती है बखरावल लोही नाली रामपुर बस्खिर पट पत, पटवादी एंड मरवारी अब ये जो ब्रीड है इनसे अलग अलग तरह की क्वालिटी ऑफ फूल ऑप्टेन होती है और अलग अलग स्टेट में ये फाउंड होते हैं जो फर्स्ट है बखरावल बखरावल से हमें वुलन शोल ऑप्टेन होता है शोल का तो मतलब आप सबको पता है कहाँ ऑप्टेन कहाँ से मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में फ़ाउंड होता है ये ठीक है लोही से सुपीरियर मतलब जो उच्च क्वालिटी की वूल होती है अच्छी क्वालिटी की वो फाउंड होती है ये कहाँ मिलते हैं राजस्थान एंड पंजाब में जो नाली ब्रीड है शिप की उससे कारपेट फूल कारपेट वूल मतलब जो कारपेट होती है उसकी वूल ऑप्टेन की जा सकती है कहाँ फ़ाउंड होते हैं राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा में नेक्स्ट है रामपुर बसेर इससे ब्राउन फ्लीस ब्राउन फ्लीस का क्या मतलब जो ब्राउन कलर की आप जैकेट देखते हैं लेदर जैकेट या उस टाइप की फ्लीस जैकेट टाइप की ब्राउन कलर की ठीक है वो ऑप्टेन होती है ये कहाँ मिलती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पटवाड़ी होयसरी ओयसरी एंड कहाँ फाउंड होती है ये गुजरात में होयसरी में क्या आएगा आपका सोक्स टोकिंग्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो सब उसके हॉयसरी में आते हैं ठीक है मरवारी बरवारी में किस टाइप की क्वालिटी वूल आएगी कोर्स वूल ये कौन कौन से स्टेट में फाउंड होती है स्टूडेंट्स गुजरात एंड राजस्थान में कोर्स वूल कौन सी होती है जैसे कारपेट स्काफ़ वगैरह बनाने के लिए स्काफे मोटी यूज़ होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए कोर्स वूल अब जो कोर्स का मतलब होता है मोटा तो मतलब मोटी जो वूल होती है उसका इस्तेमाल कारपेट और स्काफ इसमें किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका ऑफ शिप अब ये जो रियरिंग है शिप फॉर वूल इज़ वन ऑफ मेन ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल इन स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड गुजरात अब ये क्या कह रहे हैं जो रियरिंग ऑफ शिप है मतलब शिप को कहाँ कहाँ पाला जाता है वूल के लिए मेन ऑक्यूपेशन है मतलब काम है जैसे कुछ लोग जूस का जूस की वो कर स्टोर खोलते तो उनका वो ऑक्यूपेशन है कुछ डॉक्टर का करते हैं कुछ पुलिस मैन तो वो उनका ऑक्यूपेशन उनका काम है ऐसे ही कुछ पीपल क्या करते हैं रियरिंग ऑफ शिप जो भेड़ है उनको पालते हैं और वो उनका ऑक्यूपेशन का काम होता है और कौन कहाँ कहाँ इन स्टेट में ज़्यादातर रियरिंग ऑफ शिप की जाती है वो है पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात इनमें भीड़ों को ज़्यादा पाला जाता है ठीक है अब जो बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरियट्स आई डब्ल्यू एस मेम्बर कंट्रीज़ जो सबसे अच्छी वूल है जो बेस्ट क्वालिटी की वूल है आपको इंटरनेशनल लेवल पे ऑप्टेन होती है इंटरनेशनल मिलती है कहाँ से इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीड मेम्बर्स से और उन वो कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है इसमें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा ये सब कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होती है ठीक है ऑस्ट्रेलिया आपका न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा ठीक है अब देखिए रियडिंग क्वेश्चन यानी यह बताता इसके अलावा भी कई आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे वूल को रिये किया जा सकता है यहाँ पे हम वूल ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे आपका उत्तराखंड हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया गुजरात हो गया ये सब और अदर स्टेट हैं जहाँ पर ये रिशॉप की जाती है वूल को ऑप्टेन किया जा सकता है ठीक है आपका नेक्स्ट है वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स तो स्टूडेंट्स शिप के अलावा मतलब एक्सक्लूडिंग शिप देर अदर्स एनिमल थ्रू विच वी कैन ऑप्टेन वूल लाइक गोट कैमल रैबिट याक ये सब क्या है आप इनसे वूल को ऑप्टेन कर सकते हैं तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम गोट तो गोट में क्या होगा वूल ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ गोट सच एज कश्मीर गदी चंपा एंड अंगोरा अब जैसे मैंने आपकी गो शिप के बीड्स बताए थे अलग अलग प्रजाति बताई थी मतलब बता होगी शिप बस उसमें कुछ क्वालिटी अलग अलग होगी मतलब बेस्ट टाइप की वूल पाने के लिए बीड्स को बनाया जाता है उन प्रजाति को आगे बढ़ाया जाता है ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी की चीज़ मिल सके तो ऐसी गोट की भी क्या है कई सारी ब्रीड है जैसे कि कैश्मीर गदी चंपा एंड अंगोरा जो अंगोरा है वो कहाँ उसे बोलते हैं मोहिर इज़ फ्लिश ऑफ द अंगोरा गोट जो फ्लिश क्या होता है स्टूडेंट्स आप बहुत बार बार देख रहे हैं फ्लिश का नाम आ रहा है तो फ्लिश क्या होता है जो आउटर कवरिंग विच कवर द स्किन ऑफ शीप गोट याक एक्सेट्रा एनिमल्स जो फ्लिश क्या है जो बाहर की स्किन जो आपकी गोट है या फिर शिप है उसकी स्किन को कवर करके रखती है किससे हेयर से उसे हम क्या बोलते हैं फ्लिश बोल रहे हैं ठीक है थीक्या? तो मोहेर उस फ्रीज को क्या बोल रहे हैं उस आउटर कवरिंग को हेयर का उनको नाम दिया गया है अंगोरा गोट की हेयर को मोहेर ठीक है और ये कहाँ फाउंड होती है हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज़ में इस गोट को हम फाउंड करते हैं नेक्स्ट जो ब्रीड है गोट की है वह कश्मीर गोट हेयर इज़ सॉफ्ट टू प्रोड्यूस कश्मीर वूल जो कश्मीर गोट है वो, वो उसके जो हेयर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इसलिए उसे कश्मीर वूल प्रोड्यूस करते है। अभी जो कश्मीर वूल है उस वूल को वोवन किया जाएगा क्या बनाने के लिए फॉरन शोल जिसको हम क्या बोलते हैं पश्मीना सोल देखते पश्मीना सोल की सोल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट है कैमल जो कैमल में क्या होगा जो फर होता है कैमल आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वूल अब जो कैमल है आपका ऊँट है उससे भी वूल के ओपटेन वूल ऑप्टेन की जा सकती है कैसे जो मेल कैमल है वो यूल्ड फाइव अबाउट फिफ्टीन टवेल्व टू तो फिफ्टीन के जी ऑफ वूल इन ए ईयर जो मेल है पंद्रह बारह से पंद्रह के जी देता है एक साल में वही जो फीमेल कैमल है वो कितने प्रोड्यूस करेगी गई सिक्स टू एट के जी सिक्स टू एट के जी वूल को प्रोड्यूस करती है एक साल में ठीक है अब इस कैमल की भी ब्रीड होती है कौन कौन सी एंड एलैमा फाउंड इन साउथ अमेरिका येल्ड वूल इज वेरी फाइन सॉफ्ट एंड लस्टस अभी जो एल्पेक्का एलैमा ब्रीड है कैमल की वो साफ तफर तो कम अमरीका में फाउंड होगी और ये जो यील्ड है वो फाइन सॉफ्ट और लस्ट टाइप की होती है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए जो एल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो एल्केपेस कैमल होते हैं उनके वूल बहुत सॉफ़्ट एडनेस हो, होते हैं और सिर्फ जो रॉयल लोग हैं इन वूल को पालते हैं ताकि उनसे सॉफ्ट काइंड ऑफ वूल ऑप्टेन कर सके तो ये जो इस टाइप की वूल है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ठीक है स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू स्टूडेंट्स